बुद्ध से कबीर तक यात्रा विषय पर सोमवार को तारामंडल स्थित एक मैरिज हॉल में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में यात्रा के उद्देश्य पर चर्चा किया गया। यात्रा का मुख्य उद्देश्य बहु सांस्कृतिक विविधताओं को साथ लेकर चलने वाली गौरवशाली साझा विरासत का उत्सव मनाना, संवैधानिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना एवं जनमानस को इसके बारे में जागरूक करना और इन महान परंपराओं को हमेशा के लिए सहज कर रखने वाली भावना को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर इंदु सिंह, नीतू, शैलेंद्र, कबीर, अजीत, सरोज कल्पना, अनिल प्रभात, अजीत कुमार सिंह सहित अन्य श्रोता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गुजरात के DGP डॉक्टर विनोद कुमार मल ने कहा, खान अब्दुल गफ्फार खान की परंपरा है और ये विचारधारा, ये सोच सीमित नहीं है, ये सोच पूरी दुनिया में रही है, लेकिन हमारा देश इस मामले में सबसे आगे रहा है। आज नहीं, आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 800 साल पहले, 400 साल पहले और आखिर में गांधी था। गांधी ने दुनिया को दिखाया कि शांति, तो फिल्म में आता है वो हिस्सा जब गांधी कहते हैं कि नफरत से हम लड़ाई नहीं जीतेंगे, हम शांति से जीतेंगे, प्रेम से जीतेंगे और तुमको हारना पड़ेगा, और वही होता है। आज क्या है, आज क्या ऐसा हो रहा है कि हम तलवार बंदूक हाथ में लेके जीतने की कोशिश कर रहे हैं? पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया जो करती रहे, लेकिन कम से कम अपने हिंदुस्तान को तो हमें बचा के रखना है। ये प्रयास उसी दिशा में है और मैं ये बहुत दावे के साथ और बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूं, जिस तरीके से युवक इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं वो भविष्य के लिए बहुत ही शुभ संकेत। युवा जुड़ेगा, पूरे पूर्वांचल में आंदोलन जाएगा, पूरे देश को, पूरी दुनिया को दिखाएगा कि 50 और 100 युवक निकले थे इस धरती से और फिर एक बार जो मानवता दिशा खो रही थी उन्होंने दिशा दिखाई। और मुझे आप सबसे यही अनुरोध है, इस आंदोलन में जुड़े। मैं इसको आंदोलन इसलिए कहता हूं कि ये लोग जुड़ते हैं, लोग जुड़ते हैं, लोगों की भावनाएं, लोगों के विचार जुड़ते हैं, इसलिए मैं आंदोलन बार बार शब्द इस्तेमाल करता हूं। और बिल्कुल गैर राजनीतिक ये प्रयास है और इसीलिए प्रयास मजबूत हो रहा है, लोग आ रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान से लोग जुड़े हैं, अलग अलग शहरों से जुड़े हैं। अगले 1-2 सालों में पूरे हिंदुस्तान में बुद्ध से कबीर तक आंदोलन, अभी भी कुछ अलग 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 शहरों में कुछ कार्यक्रम हुए हैं और अगले 1-2 साल में पूरे हिंदुस्तान के शहरों में इस विचारधारा को, इस सोच को, इस जो पूर्वांचल की धरती की जो परंपरा है, इतिहास है, संस्कृति है, धर्म है, वो सबके सामने हमें ले जाना है। संक्षिप्त परिचय, मेरा नाम विनोद कुमार मल है, मैं एक IPS ऑफिसर हूँ गुजरात काडर से और मैं गोरखपुर का ही रहने वाला हूँ। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर उरुआ बाजार एक जगह है, वहाँ पे मैं रहा, पला बढ़ा, उसके बाद IIT वाराणसी से, BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में BTech किया, उसके बाद में मैंने PhD भी की है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और गुजरात में मैंने IPS की नौकरी की और वहाँ पे कई जिलों में, सुरेंद्रनगर, मेहसाना जिलों में मैं SP रहा, अहमदाबाद, बड़ौदा में डिप्टी कमिश्नर रहा, भारत सरकार में थोड़े समय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में काम किया और गुजरात में अलग अलग क्षेत्रों में मैंने बहुत सारा वहाँ के समाज के लिए जो भी नौकरी में संभव था हमने पूरा प्रयास किया है। और नौकरी के भी अनुभव हैं, नौकरी के अनुभव हैं, जिस तरह से मैंने समाज में जो सामाजिक डायनेमिक, सोशल डायनेमिक्स है और सोशल एग्रेशन कहीं कहीं पर दिखता है, वो नौकरी का अनुभव भी इस आंदोलन की जो हमारा प्रयास है उसको एक तरीके से हमको समझने में मदद करता है। क्या उद्देश्य? देखिए, बुद्ध से कबीर तक की जो यात्रा है, भारत के जो एक बहुत ही विविधतापूर्ण, बहुसंस्कृतिवादी एक इतिहास रहा है जिसमें अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ, धर्म, लोग, भाषाएँ, कलाएँ रही हैं और सब एक साथ मिलजुल कर 5000 साल से रहते आए हैं। उस साझी संस्कृति को दुनिया के समक्ष ले जाना है और उसको ले जाने के लिए हमने बुद्ध, कबीर जैसे महापुरुषों के उपदेशों को चुना। बुद्ध का मध्यम मार्ग का सिद्धांत, बुद्ध का अहिंसा का सिद्धांत, बुद्ध का प्रेम का सिद्धांत, कबीर का कर्मकांड के खिलाफ सिद्धांत, कबीर का एक ईश्वर है वह सिद्धांत जो वेदांतिक ईश्वर है उसका सिद्धांत, कोई भेदभाव नहीं है उसका सिद्धांत दुनिया के सामने हमने ले जाना है। साथ ही साथ इसमें और भी महापुरुष, ये बुद्ध कबीर तक सीमित नहीं है, इसमें महावीर भी आते हैं, गांधी भी आते हैं
और भी बहुत सारे लोग आते हैं, विवेकानंद भी आते हैं, रामकृष्ण परमहंस भी आते हैं, सारे लोग आते हैं, और जिन्होंने इस मानवता को, प्रेम के संदेश को दुनिया के सामने जो लोग ले गए, उस संदेश को फिर से एक बार ढूंढ करके आत्मविश्वास के साथ, और पूर्वांचल की धरती उस इतिहास का एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ी साक्षी रही है, उस परंपरा को साथ में लेकर, उस आत्मविश्वास को साथ में लेकर के इनके संदेशों को हम दुनिया और समाज के समक्ष जा रहे हैं इस बुद्ध से कबीर तक यात्रा के माध्यम से। जनता का कितना सहयोग है? मैं ये कहूँगा कि एक हमारी अपेक्षा से ज़्यादा एक लोगों का रिस्पॉन्स रहा है। लगता है जैसे हम जाते हैं तो लगता है कि लोग प्रेम की बात और हिंसा की बात सुनने के लिए बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हैं। आज के समाज में जिस तरीके से आक्रामकता लोगों की जीवन में बढ़ गई है, ऐसे में प्रेम और शांति और भाईचारे की जब बात होती है लोग जुड़ते हैं, और ख़ास करके जो माध्यम हमने चुना है, लोग जुड़ रहे हैं, नवयुवक जुड़ रहे हैं, गरीब जुड़ रहे हैं, अमीर जुड़ रहे हैं, बिजनेसमैन जुड़ रहे हैं, नौकरीशुदा लोग जुड़ रहे हैं, मजदूर जुड़ रहे हैं, औरतें जुड़ रही हैं, बच्चियाँ जुड़ रही हैं, कलाकार जुड़ रहे हैं, सब लोग इस आंदोलन में जुड़े हैं, और यहाँ पर पूर्वांचल में नहीं पूरे देश में ये चीज़ हो रही है। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत लोग जुड़ रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में ये आंदोलन और ये प्रयास और मजबूत होता जाएगा।